Good morning, the students. Welcome to English classes. And in today's class, I am going to teach you the chapter 4 from class 10, Footprints Without Feet book. And as you can see, the chapter name is A Question of Trust. So, what exactly we will read in this chapter? I would like to tell you. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि आपको निश्चित रूप से एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक चोर लगाना होता है. बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स. लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो चोर होते हैं उन लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट. और इन दोनों में से ऐसी कौन सी कहावत है जिसे कि ये कहानी व्याख्या करता है या बताता है या वर्णन करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एज यू कैन सी देयर आर टू पॉइंट्स हैज बीन गिवन इन रीड एंड फाइंड आउट कॉर्नर. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट डज हॉरिस डैनबी लाइक टू कलेक्ट. हॉरिस डैनबी जो कि नाम है एक व्यक्ति का, वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता है या कलेक्ट क्या कलेक्ट करना वो चाहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वो प्रत्येक साल चोरी क्यों करता है. तो आज की क्लास में हम यही दो पॉइंट्स को सीखने जा रहे हैं. सो विदाउट गेटिंग डिले आई वुड लाइक टू स्टार्ट. एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. प्रत्येक लोग ऐसा सोचते थे कि हॉरिस डैनबी जो था वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था. ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड. वो लगभग 50 साल का था और अनमैरिड था, मीन्स अविवाहित था. एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. और वो एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती थी. इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हिप फीवर इन समर. और वास्तव में वो प्रायः बहुत अच्छा और खुश होता था सिवाय समर सीजन के दौरान हे ऑफ अटैक्स के. दैट मीन्स हे ऑफ अटैक्स एक प्रकार का एलर्जी था. इस एलर्जी के अलावे जो कि उसे समर सीज़न में ये हे फीवर जो एलर्जी थी उसे, इस हे फीवर के अलावे जो कि समय में इसे फेस करता था, इसके अलावे वो बिल्कुल अच्छा और खुश था. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. वो ताले बनाता था और वो अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा सफल था कि उसके पास दो हेल्पर्स भी थे, मीन्स उसको हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे या मदद करते थे. यस हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हाँ हॉरिस डैनबी जो था वो अच्छा और आदरणीय था. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह ईमानदार नहीं था. 15 years अगो हॉरिस एंड हॉरिस हैड सर्वड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. और 15 साल पहले हॉरिस जो था वो अपनी पहली और केवल एक जो सजा थी उसे एक प्रिजन लाइब्रेरी में वो काट चुका था. दैट मीन्स कहने का मतलब ये प्रिजन लाइब्रेरी जो होता है ये जेल के द्वारा या जेल के अंदर बना होता है, इसमें वो अपनी पहली और एकमात्र सजा को काट चुका था 15 साल पहले. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. वो जो दुर्लभ और काफ़ी एक्सपेंसिव जो बुक्स होती थी, जो किताबें होती थी, उसे वो पसंद करता था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए प्रत्येक साल वो एक तिजोरी को रॉब करता था, मीन्स लूटता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. प्रत्येक साल वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक तरीके से ये प्लान करता था कि वो क्या करेगा. स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और इतना ज़्यादा चुराता था कि वो 12 महीने तक चलता था. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और गुप्त तरीके से वो उन किताबों को एक एजेंट के द्वारा मंगवाता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. और अब जुलाई सनशाइन मीन्स जुलाई का महीना है और चमचमाती हुई धूप है, उसमें वो बिल्कुल टहल रहा है. ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स. वो बिल्कुल इस बात को लेकर श्योर था या निश्चिंत था कि इस साल की जो लूट है वो बिल्कुल उतना ही ज़्यादा सफल होने जा रहा है जितना कि और भी दूसरी लूट हुई थी. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटोवर ग्रेंज. सोटोवर ग्रेंज जो है एक स्थान का नाम है. 2 सप्ताह से या 2 सप्ताह के लिए वो
वो जो सोटोवर ग्रेंज पे जो हाउस स्थित था उसे वो स्टडी कर रहा था, मीन्स अच्छे तरीके से वो देख रहा था। वास्तविक में आप लोगों को पता होगा कि स्टडी मीन्स पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे घर को पढ़ेगा नहीं, घर को अच्छे तरीके से जांचेगा, परखेगा। लुकिंग एट इट्स रूम, वो उस घर के कमरे को देख रहा था, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उस घर के इलेक्ट्रिक वायरिंग जो बिजली का तार होता है उसे वो देख रहा था, इट्स पथ्स एंड इट्स गार्डन, वो उसके रास्ते को देख रहा था कि उस घर में किस प्रकार से रास्ता बना है, और साथ ही साथ में उसके गार्डन को देख रहा था कि घर का गार्डन कैसा है। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेंड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वाज इन लंडन हैड गोन टू द मूवीज, ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो दोपहर थी उस दोपहर में दो नौकर जो कि उस ग्रेंज में उस घर में बचे हुए थे जबकि पूरा परिवार लंदन में था उस दौरान, हैड गोन टू द मूवीज, वो दोनों मूवीज़ को गए थे, मीन्स मूवी देखने के लिए गए थे, फिल्म देखने गए थे। हॉरिस सा देम गो, हॉरिस जो था वो उन दोनों को जाते देखा था, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और इस कारण से वो बिल्कुल खुश महसूस किया, अपने नाक में हे फीवर की कुछ सुड़सुड़ाहट होने के बावजूद, स्पाइट मीन्स बावजूद होता है और टिकल मीन्स गुदगुदी भी होता है और टिकल मीन्स सुरसुरी भी होता है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल के पीछे से वो आया, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसके जो टूल्स थे जो औजार थे वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उसके पीठ पे एक बैग में पैक थे। देर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ, उस ग्रेन सेफ में लगभग 15,000 pounds की कीमत के ज्वेल्स थे, मीन्स ज्वेलरी। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि वो उन्हें एक एक करके बेच देगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, तो एक एक करके अगर वो उसे बेच देगा तो वो उम्मीद किया था कि वो कम से कम 5,000 पाएगा, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो कि उसे दूसरे साल तक खुश रखने के लिए काफ़ी होगा। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और ऑटम जो पतझड़ का जो मौसम होता है उसे बोला जाता है, या बसंत ऋतु का जो शुरुआत का जो मौसम होता है उसे बोला जाता है। उस मौसम में एक सेल आने वाला था जिसमें 3 बहुत इंटरेस्टिंग किताबें आ रही थी या आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब वो पैसा पालेगा और वो उन किताबों को ख़रीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने हाउस कीपर को जो किचन होता है किचन दरवाजे के ऊपर हुक को बाहर में ही या बाहर की ओर में टांगते हुए देखा था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, वो एक ग्लोव्स जो दस्ताने होता है उस दस्ताने को पहन लेता है। टुक द की, चाबी लेता है, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नोट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट्स, क्योंकि वो हमेशा कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क होता था या काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान देता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा जो कुत्ता था वो उस किचन में लेटा हुआ था। इट अस्टीर्ड, वो क्या हुआ, उत्तेजित हो गया उसे देखने के बाद, मेड अ नॉइस, और वो आवाज़ किया, और आप लोगों को पता होगा कि ऐसे भी अननोन आदमी होता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और वो अपनी पूंछ को एक फ्रेंडली वे में, मींस एक दोस्त या एक पहचाने हुए व्यक्ति के सामने जैसे करता है बिल्कुल उसी तरीके से हिलाया। ऑल राइट सेरी, कुत्ते का नाम है सेरी। ऑल राइट सेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ट, और हॉरिस जैसे ही उस दरवाजे से गुजरा वो बोला कि सब ठीक है सेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, आपको किसी भी कुत्तों को शांत रखने के लिए उन्हें उसके सही नाम से बुलाना चाहिए। एंड सो देम लव, और साथ ही साथ में उन्हें प्यार दिखाना चाहिए, ऐसा वो बता रहा है। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, एक रैदर पुअर पेंटिंग के पीछे। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स,
वहाँ पे जो रैदर पुअर पेंटिंग जब वो देखा तो हॉरिस जो था वो एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, वो या फिर ये सोचने लगा कि उसे पिक्चर बुक्स के अलावा भी पिक्चर कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन आप लोगों को पता है अगर ज़्यादा पिक्चर रहेगा तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस कारण से वो सोचा कि ये जो पिक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कमरा लेगा। इन आ स्मॉल हाउस बुक्स वर वेटर, और एक छोटे से घर में किताबें ज़्यादा अच्छी थी। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर वहाँ पे एक बड़ा सा फूलदानी रखा हुआ था जिसमें फूल रखते हैं लोग, बिल्कुल वैसा ही। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, जिससे कि क्या हुआ, हॉरिस जो था वो अपने नाक में सुरसुड़ी महसूस किया, बिकॉज ऑलरेडी उसे हे फीवर था जो कि एक एलर्जी होता है, मैं बताया था पहले। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, वो थोड़ा छींका या हल्के से छींका और फिर अपने उस बैग को नीचे रखा। ही अरेंज्ड, ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, वो अपने टूल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज किया या व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे उस नौकर के लौटने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और वो जो तिजोरी था वो खोलने के लिए ज़्यादा कठिन होने वाली बात नहीं थी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, और इसके अलावे ऐसे भी वो अपने पूरे जीवन लॉक्स और सेफ्स के साथ ही रहा, मीन्स ताले और तिजोरी के साथ ही वो बिताया। द बर्गलर अलार्म वाज प्योरली बिल्ट, और वो जो चोर वाला जो अलार्म होता है, बर्गलर मीन्स चोर होता है, आप ध्यान देंगे ये सैनोनिम में भी काम करेगा आपका, बर्गलर मीन्स चोर होता है। तो ये जो बर्गलर अलार्म था, मीन्स कोई भी अगर चोरी करने के उद्देश्य से अगर उस तिजोरी को टच करता है तो वो बजने लगता है, उसे बोलते हैं बर्गलर अलार्म, वो वहाँ पे पुअरली बिल्ट किया गया था, मीन्स अच्छे तरीके से वो नहीं बनाया गया था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल गया उसके वायर को कट करने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लॉडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और वो पीछे गया एंड स्नीज्ड लॉडली, और जोर से छींका, जैसे ही वो उन फ्लावर्स का जो स्मेल था उसके पास फिर आया। हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरिस थॉट, और हॉरिस सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब वो इतनी मूल्यवान चीज़ें रखते हैं या वस्तुएं रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, और एक मैगजीन आर्टिकल जो था वो उस घर को डिस्क्राइब करके रखा था। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बड़े बड़े जो घर होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं या ऑफिस होते हैं तो उसका एक आर्टिकल बनाया जाता है जिसमें कि पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उस बिल्डिंग का, कि आपको उसमें किधर स्टेयर्स मिलेगा, किधर लिफ्ट मिलेगा, किधर वॉशरूम मिलेगा, सब चीज़ अपडेटेड होता है, कहाँ पे कौन सा बेडरूम है, कितने नंबर का बेडरूम है, ये सभी चीज़ें। तो बिल्कुल वैसा ही एक मैगजीन आर्टिकल था जो कि उस हाउस को डिस्क्राइब करके रखा था, सभी चीज़ बता कर रखा था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, वो बिल्कुल सारे कमरे का एक प्लान बता रहा था कि कैसे कैसे जाना है, किधर से रास्ता है, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और साथ ही साथ में उस कमरे का जिस कमरे में तिजोरी था उस कमरे का भी पिक्चर को वो डिस्क्राइब कर रहा था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, जो राइटर था वो यहाँ तक ये भी मेंशन किया था कि उसमें जो पेंटिंग है पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरिस ऐसा पाया कि जो फूल थे वो उसके काम में बाधा डाल रहे थे। ही ब्यूरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, इसलिए वो क्या किया, अपने रुमाल से अपने फेस को ढक लिया। हालांकि ब्यूरीड मीन्स होता है गाड़ना या दफनाना, लेकिन हैंडकरचीफ में फेस को गाड़ना या दफनाने का सेंस ये हुआ कि हैंडकरचीफ से वो ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरबे, उसके बाद फिर वो दरवाजे पर से एक आवाज़ सुना, व्हाट इज़ इट, कौन है या क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, सर्दी है या फिर एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर, हॉरिस कुछ सोच सके उससे पहले ही वो जवाब दे दिया, हे फीवर मीन्स एक प्रकार से एलर्जी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वो अपने आप को दोबारा या फिर से छींकता हुआ पाया। द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज़ थी वो बिल्कुल और भी आगे बढ़ी, मीन्स वो जो भी व्यक्ति था या थी वो और भी आगे कुछ बोला या बोली। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट,
वो क्या बोली कि आप इसका इलाज एक खास ट्रीटमेंट से कर सकते हैं. यू नो आपको पता है, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, केवल आप ये पता कर लीजिए, या आपको सिर्फ ये पता करना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि आपको ये डिजीज़ देता है, ये बीमारी देता है या ये परेशानी देता है. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर. मैं सोचती हूँ कि अच्छा रहेगा कि आप एक डॉक्टर से मिलें. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं या गंभीर हैं. आई हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैं आपको इस घर के छत पर से अभी तुरंत सुनी. और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये चैप्टर का पार्ट वन था, और पार्ट टू जिसका कि टू पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को मैं कल बताऊँगा, कल एक्सप्लेन करूँगा. आज आप इतना ही पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको सब चीज़ सही से समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब.